हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष मेहता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद आयुष मेहता। दोस्तों, आज की जो नई वीडियो है वो इसराइल कंट्री के ऊपर हम बात करने वाले हैं। फिर से हम कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। अभी क्या है कि न्यू वैकेंसीज आई हैं इसराइल कंट्री के लिए, स्किल वर्कर के लिए भी आई है, कुछ अनस्किल्ड की भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। और ये जो वर्क है, प्लीज़ मैं आपको बता दूं, ये मैन पावर ऑफिस कर रहा है। मैन पावर ऑफिस का नाम मैं बता दूंगा, उसके बाद आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर पर उनको कॉन्टैक्ट करें या वेबसाइट पे विज़िट करें या उनके ऑफिस एड्रेस पे ऑफिस विज़िट करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दो, अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप वगैरह ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक में फॉलो कर लो, और बाकी हमारे भी कॉन्टैक्ट नंबर सारा कुछ मेंशन है। कुछ अदर क्वेरीज हैं रिगार्डिंग टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, कुछ भी है क्वेरी तो आप पूछ सकते हो हमारे दिए हुए नंबरों पर या ऑफिस हमारा विज़िट कर सकते हो। बट इसराइल की अगर हम बात करें तो अभी राइट नाउ जो ये वैकेंसी है ओनली मैन पावर ऑफिस के पास आई हुई है। और क्या क्या डेजिग्नेशन है पहले मैं पोजीशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेटेस्ट वीडियो है तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिएगा। जो नंबर वन पे पोजीशन है वो है मेसन, ठीक है, टाइल मेसन, ब्लॉक मेसन एंड प्लास्टर मेसन। सेकंड नंबर पे शटरिंग कारपेंटर, थर्ड नंबर पे स्टील फिक्सर, उसके बाद पोजीशन है आर्क वेल्डर भी इनको 20 चाहिए, प्लम्बर 30 चाहिए 30, और जिप्सम कारपेंटर चाहिए, ऑपरेटर चाहिए जिनके पास लाइसेंस वगैरह है ऑपरेटर, ठीक है। गल्फ रिटर्न होंगे तो बहुत अच्छा है, सबसे ज़्यादा चांस गल्फ रिटर्न वालों के, बाकी जो इंडियन एक्सपीरियंस होल्डर हैं वो भी जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर इनको कुछ ड्राइवर्स चाहिए, और ड्राइवर्स में भी कैटेगरीज हैं, वो आप एजेंसी से बात कर सकते हैं। फिर इनको फैक्ट्री हेल्पर चाहिए। यहाँ पे जो फ्रेशर कैंडिडेट है, मतलब एकदम फ्रेशर नहीं कहूँगा, 2-3 साल इंडिया में काम करे हुए हैं, वो यहाँ पे फिट हो सकते हैं। बाकी जितनी एक्सपीरियंस वाली है मैं बता दूँ, 4-5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इसराइल जाने के लिए, फ्रेशर्स को नहीं लेंगे। ओके, मतलब एकदम ज़ीरो एक्सपीरियंस वाला फ्रेशर नहीं, लाइक कुछ काम किया हो इंडिया में, ठीक। और इलेक्ट्रीशियन चाहिए 20 से लेकर 30 के आसपास, और असिस्टेंट हेल्पर चाहिए। तो ये असिस्टेंट हेल्पर और फैक्ट्री हेल्पर, यहाँ पे जो फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं, नए कैंडिडेट्स हैं जो इंडिया में 2-3 साल काम किए हैं किसी फैक्ट्री में, कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो वो एक बार यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल। ओके, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है दोस्तों, 4 से 5 साल का अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मैंने पहले भी बताया, इतना एक्सपीरियंस एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए, और इंडियन हो तो भी ठीक है, गल्फ होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद मिनिमम 3 ईयर्स की वैलिडिटी आपके पासपोर्ट में बची हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 3 साल की कम से कम आपके पासपोर्ट में वैलिडिटी बची होनी चाहिए 3 साल की। उम्र सबकी अलग अलग है, तो एज एक बार मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा, 25 से लेकर 40 का एज ग्रुप चल रहा है इस टाइम पर, इससे ऊपर नहीं ले रहे। और प्री सिलेक्शन इसमें रहेगा आपका, लाइक जो प्री सिलेक्शन कैंडिडेट्स हैं, उसके बाद क्लाइंट आते हैं, इंटरव्यू होता है, ऐसा रहता है। आप एजेंसी से फुल इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, तो मैं बता देता हूँ, एक आपको पोस्ट यहाँ साइड में दिख रही होगी, इसमें लिखा होगा रिमार्क्स ट्रेड्समैन एंड ऑपरेटर, एज जो है 25 से 40। जो ट्रेड्समैन हैं, जो ट्रेड्स वाले हैं या ऑपरेटर हो गए, उनकी एज लिमिट 25 से 40 रहेगी। बाकी जो हेल्पर या असिस्टेंट हेल्पर हैं उनकी एज 25 से 35। 25 से नीचे अगर कुछ भी महीना है तो आप नहीं जा सकते, 40 से अगर ऊपर एज है तो ट्रेड्समैन ऑपरेटर में नहीं होगा, और अगर 35 से ऊपर है तो हेल्पर में नहीं होगा। तो 25 से 35। उसके बाद ऑपरेटर एंड ड्राइवर्स नीड वैलिड इंडियन हैवी लाइसेंस एंड GCC एक्सपीरियंस, ठीक है, इनका भी अप्रॉक्स 25 से लेकर 40 के आसपास है। तो ये एज इसमें लिमिट है। ये पोजीशंस जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, अप्रॉक्स 11 मैंने पोजीशंस आपके साथ शेयर करी है, 11 ये अभी हायरिंग कर रही है। एजेंसी का नाम मैं आपको बता देता हूँ, वो है डायनेमिक स्टाफिंग सर्विसेज, डी जो आपका डायनेमिक स्टाफिंग सर्विसेज DSS जो है इस समय, ठीक है, वो हायर कर रही है दिल्ली ऑफिस, मुंबई ऑफिस, और गल्फ में भी इनका ऑफिस है मिडिल ईस्ट में, ठीक है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अच्छी मैन पावर एजेंसी है, इनके रेट भी काफ़ी सही रहते हैं, कॉस्ट काफ़ी कम रहती है स्किल वर्कर्स के लिए। मैंने बताया हुआ है कि लाइक 1,75,000 या 1.5 लाख या 2.5 लाख ऐसे रेट चल रहे हैं इस समय, ठीक है। तो ये इसराइल का रेट चल रहा है। सैलरीज बताई हुई हैं, ड्यूटीज़ बताई हैं, अकोमोडेशन कंपनी देती है, ट्रांसपोर्ट वगैरह, फूड अपना होता है, कितना क्या कटता है ये पहली वीडियो में मैंने बताया है। आई बटन पे मैंने वीडियोस दे दी हैं, जाके क्लिक करके इसराइल वाली वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, अगर चैनल पे नए हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखी है, अगर किसी ने भी नहीं देखी तो आप भी चेकआउट कर लीजिएगा। सैलरी कितनी होती है इसराइल में, सारा कुछ मैंने आपको बताया हुआ है कि 1,37,000 तो मिनिमम आपको मिलने वाली है, प्लस आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी, कितना डिडक्शन होता है, डिपॉजिट कैसे, क्या चीज़ें डिडक्शन जो होता है, मैंने वो सब भी पुरानी वीडियो में, पिछली जो वीडियो आई थी उसमें बताया कि इसराइल में कितनी सैलरी कैसे क्या है,
बाकी ड्यूटी आपको पता है कि 9 आवर्स आपने काम करना ही करना है डेली, 1 घंटा लंच, 8 घंटे की ड्यूटी, 3-4 घंटे ओवर टाइम अगर मिलेगी तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। ओनली डायनेमिक अभी हायर कर रही है ये स्किल पोजीशंस के लिए कम रेटों में कह सकते हैं, बाकी और भी कुछ एजेंसीज कर रही हैं बट उतना हमें नहीं पता। मेन हम एक एजेंसी बता रहे हैं आपको, अच्छी एजेंसी है, इनके इंटरव्यूज हो रहे हैं, प्री सिलेक्शन चल रहे हैं और डॉक्यूमेंट सबमिशन भी हो रहे हैं, क्लाइंट भी आ रहे हैं, अभी कुछ शक फिर से इंटरव्यू होने वाले हैं, तो देर ना करें, आप कांटेक्ट कर सकते हैं इसराइल जाने के लिए, जिनके पास अच्छी स्किल काबिलियत है, बेसिक इंग्लिश आती है, अच्छी नॉलेज है अपने काम की, तो 1.5-2 लाख रुपये आप आराम से 1 महीने में इसराइल में कमा सकते हैं। दोस्तों कोई भी गरीब घर से, मेरे भाई जो भी गरीब घर से वीडियो देख रहे हैं, गरीब हैं, उतना बजट नहीं है, कम पैसे हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ये मौका है, ठीक है। मेडिकल PCC ये तो अपना ही होता है, आपको पता ही है, और एक मेडिकल इसराइल में भी जाके होता है, बट एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स चाहिए, ओनली एक्सपीरियंस एजेंसी को चाहिए, हमें नहीं कांटेक्ट करना है इसराइल के लिए, इसराइल के लिए आपने कांटेक्ट मैन पावर, जो एजेंसी का नाम बताया DSS डायनेमिक, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो में सारा कुछ बता दिया, क्या क्या पोजीशन, सैलरी सबको पता है, ड्यूटी भी पता है, रहना मेडिकल सब देते हैं, खाना अपना होता है, ये सब हम पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, कितना टैक्स कटता है, कितना डिडक्शन होता है, ये पिछली वीडियो में डीपली 22 मिनट की लगभग वीडियो थी, उसमें सब बताया हूँ, तो वो चेकआउट कर लेना अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए इसराइल कंट्री के लिए, एज़ पर इसराइल लेबर लॉ के अकॉर्डिंग, जो गवर्नमेंट कहती है लेबर लॉ कहता है इसराइल का। और अभी उतनी प्रॉब्लम्स इसराइल में तो नहीं है, अभी मार्केट्स ओपन हो रही, सारा कुछ ठीक चल रहा है, पहली चीज़ तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरी अगर बात करूँ, लोग पूछ रहे हैं डीले हो रहे हैं प्रोजेक्ट, तो इसके ऊपर भी एक वीडियो आएगी, इस पर हम आपको अपडेट करेंगे, क्योंकि न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आने हैं इसराइल के, जो पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं वो ऑलमोस्ट एक्सपायर हो चुके हैं, तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, इंटरव्यूज एजेंसी करा रही है बट किसी का वीज़ा अभी नहीं आ रहा, क्योंकि फेब तक कुछ डिस्कशन होने हैं, उसके बाद हमें मार्च में शायद वीज़ा देखने को मिल जाएंगे इसराइल के, वीज़ा और ऑफर लेटर सारा कुछ, टिकट्स होते भी कैंडिडेट्स की दिख सकती है मार्च में, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस बना के रखें, और बाकी ये एजेंसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, सैलरी पोजीशन सब बता दिया, एज लिमिट बहुत कम कर दी है, 35-40 के ऊपर बड़ा मुश्किल है सबके लिए फिट होना, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो जॉब्स इन इसराइल, या इसराइल की जो वैकेंसी स्किल के लिए आई है उसके ऊपर, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, बड़ी मेहनत से बनाई है आपके लिए कि ये पोजीशन है, ये एजेंसी हायर कर रही, रेटेड सब बता दिया है, कोई इतनी चीज़ें आपको नहीं बताएगा, स्पेशली खर्चा कोई नहीं बताता। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, स्टे सेफ, और जल्द ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तो तब तक प्लीज़ कीप वॉचिंग, स्टे सेफ एंड बाय, टेक केयर, दिल से शुक्रिया ऐसे प्यार दिखाने के लिए और वीडियो को देखने के लिए, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।